नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाने से पहले अर्थी को बांध कर क्यों रखा जाता है। ये परंपरा बेहद पुरानी है, लेकिन इसका रहस्य क्या है, आइए जानते हैं। भारत में मृत्यु के बाद शव को बांध कर शमशान ले जाने की प्रथा सदियों पुरानी है और इसके पीछे गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। यह प्रथा न केवल परंपरा का हिस्सा है, बल्कि इसके पीछे कई आध्यात्मिक और धार्मिक तर्क भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं शव को बांधकर शमशान ले जाने का क्या रहस्य है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती, लेकिन मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा और शरीर का बंधन पूरी तरह से नहीं टूटता। शरीर में आत्मा की कुछ ऊर्जा और छाप भी रह सकती है। शव को बांध कर ले जाने का यह उद्देश्य होता है कि इस दौरान आत्मा के शरीर से जुड़े रहने की संभावना को समाप्त किया जा सके और शरीर का संतुलन बनाए रखे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर में प्रेतात्मा या बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है। शव को बांध कर ले जाने पर एक उद्देश्य यह भी है कि किसी प्रकार की बुरी ऊर्जा या आत्मा शरीर पर प्रभाव ना डाले, शव सुरक्षित रूप से शमशान पहुँचे और बिना किसी बाधा के अंतिम संस्कार हो सके। शमशान ले जाने के समय शरीर को बांध कर एक प्रकार का सम्मान और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसे प्रति सम्मान और देखभाल की जाती है। शव को इस प्रकार से बांधने से यह भी सुनिश्चित होता है कि शव शांति से अपने अंतिम यात्रा पर जा रहा है। एक लंबी सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है जो समाज में पीढ़ियां दर पीढ़ियां चली आ रही है। इसके पीछे मान्यता है कि जब तक शरीर की उचित रूप से नहीं बांधा जाता, तब तक उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इसे समाज के रीति रिवाजों और परंपराओं का हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर निष्क्रिय हो जाता है और उसे स्थिर रखना आवश्यक हो जाता है। शव को बांधने से उसकी स्थिरता मिलती है और शमशान ले जाने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। शव को बांध कर शमशान ले जाने की प्रथा धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का हिस्सा है। इस परंपरा का उद्देश्य आत्मा और शरीर के बीच के बंधन को समाप्त करना होता है, शरीर को बुरी शक्तियों से सुरक्षित करना और सम्मानपूर्ण अंतिम संस्कार करना होता है। यह परंपरा समाज में व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी सम्मान प्रदान करने का प्रतीक है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।